हरियाणा में भिवानी दादरी रोड पर निमडी वाली गांव के पास भिवानी आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई व अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए उमेश साहिब की रिपोर्ट, हरियाणा। संवाददाता उमेश सतसाहिब ने हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव बदवाना में लोकसभा चुनाव के विषय में लोगों के विचार जाने। इस अवसर पर लोगों का मत था कि वो अपना वोट विकास के नाम पर डाल रहे हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाना चाहते हैं। इस अवसर पर BDC महेश कुमार, सुनील कुमार, जगबीर चौहान, अनूप चौहान, मनोज कुमार, अजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। महेश यादव जी, जैसे आप आज मतदान का करियर चल रहा है, तो आप किस प्रत्याशी को यहाँ से विजय बनाना चाहेंगे, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे 5 साल सांसद रह चुके हैं धनवीर सिंह, उन्होंने इस गांव के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए? पीछे श्रुति चौधरी 5 साल विधायक हैं यहाँ के सांसद जी, उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए? कांग्रेस पार्टी में कितना विकास कार्य हुआ और बीजेपी की सरकार? अच्छा, बीजेपी, आपका मानना है कि बीजेपी सरकार ने काफी विकास कार्य करवाए हैं गाँव में, क्या क्या विकास कार्य हुए आपके, क्या क्या हुआ? अच्छा, नौकरी दिलाया, यानी कि जो बेरोजगारी समस्या थी उसको भी सरकार ने काफी यानी कि सुचारू रूप से किया। साथ में जैसे बात की जाए चौधरी धर्मवीर सिंह, वो आपका पर्सनल मत क्या है धर्मवीर सिंह? आगे आप धर्मवीर सिंह को जिताना चाहेंगे? धर्मवीर सिंह 5 साल में जैसे आगे चुने जाएंगे, उनसे आपके गांव की और क्या जन समस्या है? अच्छा, गांव की गलियां पक्की हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साथ में जो बेरोजगारी बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, महिलाओं की जो समस्या है जैसे कि भाई आंगनबाड़ी से केंद्र है या सिलाई सेंटर है वो भी खुलने चाहिए गांव में। तो ये थी हमारे साथ में गांव के महेश कुमार जी, इन्होंने अपना मत हमारे को बताया, विचार जाने। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ की तरफ से स्टेट हेड उमेश कुमार, इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे को दिया। मैं बदवाना गांव में पहुंचा हूं, ये भिवानी में जो गांव पड़ता है, यहां पे हमारे साथ में पुलिस कर्मचारी हैं, उनसे ऐसे पूछना चाहिए गांव का कैसा सेव मिलता है, साथ में कोई वाद विवाद का प्रॉब्लम नहीं है? जागरूकता से जैसे गांव के लोगों की बात की जाए तो गांव के लोग हमारे मिलने के लिए सब बोले जाए बड़े कम है, उन्होंने रिस्पेक्ट अच्छी करी, खाना पीना खिलाया, और यहाँ पे पोलिंग बूथ पर जो है बहुत ही मजदूरों से ज़्यादा समय खराब की वजह से किया है, हाईलाइट करी है। चाहता हूँ कि आगे भी अगर असेंबली के अंदर कोई मुझे पोलिंग में चुनाव मिले तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही रहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि गांव के लोगों का भरपूर मिला और हम चाहते हैं कि आगे भी छुट्टी मिले तो ऐसे ही गांव मिले। साथ में जैसे बात की जाए, यहाँ कोई पार्टीबाजी का कोई पार्टीबाजी नहीं, अब किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है, न कोई वोटों का, न कोई लड़ाई झगड़े का, न कोई लड़ाई का। मैं आई एम अफसर होते हैं, अगर बात की जाए कितने परसेंट आपको वोट मिला है? आज मैं पहुंचा हूं बदवाड़ा गांव में, यहां पे मतदान का कार्य चल रहा है, ये भिवानी महेंद्रगढ़ है, यहां पे हमारे साथ में सुरक्षा में तैनात है, क्या नाम है जी आपका? जैसे की बात की जाए मतदान किस प्रकार चल रहा है, कोई वाद विवाद या कोई लड़ाई झगड़ा या निजात काम की कोई है? एक मिनट यार, मेल गांव के लोगों का और बढ़ चढ़ के मांगते हैं, जैसे कि आप मतदान डालने के लिए आएंगे, साइन कौन करें? आपने वोट पहले डाल रहे हैं, आप भी डाल रहे हो, आज से पहले वोट नहीं डाला? इनका पोस्टिंग आर्मी भाई ने ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार बड़ा यानी कि प्रसन्नता हो रहा है, साथ में हमारे साथ यादव साहब जैसे की बात की जाए, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं,
तो यानी कि आप जो सांसद चुन के जाएगा कोई भी बीजेपी पार्टी का, तो उससे क्या उम्मीद है? तो जैसे मोदी जी की बात की जाए, अभी हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने सेना विकास कार्यक्रम आया, क्या क्या सेना के ऊपर क्या रखा आगे बढ़ा, आपका यही मानना है? बेरोजगार की अगर बात की जाए तो नौकरी कितना दिलाया? अच्छा, 5 साल और मिलने थे। ये थे हमारे साथ में ग्रामीण लोग जिनको काफी कुशलता हो रही है वोट डालने के लिए, मीटर भी लगे हुए हैं, कैमरा मैन से कहूँगा छोटा करेंगे उनको कैसा करो जी। जैसे गांव के अभी आप वोट डालने के लिए आए, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, सिलाई सेंटर वगैरह होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में गांव के महिला भी हैं, लेडीज और जेंट्स भी हैं, जिन्हें अपने अपने विचार दिए। मैं टीवी इंडिया न्यूज की तरफ स्टेट हेड उमेश कुमारी बात करता हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट, हरियाणा। हमारे संवाददाता उमेश सतसाहिब ने हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी में लोकसभा चुनाव के विषय में लोगों के विचार जाने। इस अवसर पर लोगों का मत था कि वो अपना वोट विकास के नाम पर डाल रहे और अपने लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करवाना चाहते। वहीं इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह पालड़ी, राजकुमार, सुनील यादव, अजीत सिंह यादव, संदीप यादव, मनोज यादव, महेश यादव, अतर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज मैं पहुंचा हूं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी में। यहां पे पोलिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हमने काफी लोगों से विचार भी जाने, यानी कि गांव के लोगों का मानना है कि हमें भाईचारे के साथ में शांति मतदान होना, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या यानी कि कोई विवाद विवाद नहीं है। साथ में हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण लोग भी, उनसे भी बात करेंगे कि वो मतदान के प्रति उनकी क्या राय है, और साथ में 5 साल के दौरान में जो सांसद चुना जाएंगे उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, गांव की क्या क्या जन समस्याएं हैं, जो यानी कि उनका विकास का एक करवाएं। क्या नाम है जी आपका? ये है हमारे साथ में टीआर शर्मा जी। तो आप आज मतदान कराइए और सांसद चुने जाएंगे आपसे, चाहे सुर्खी जो भी हो, चाहे धर्मवीर सिंह हो, चाहे स्वाति यादव हो, कोई भी हो, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा, विकास कार्य करवाना चाहिए। तो आपके गांव के मुख्य जन समस्या क्या है? क्या क्या जन समस्या आपके गांव में? पालड़ी गांव में, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है। यहाँ पे यानी कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो चौधरी धर्मवीर सिंह है, कांग्रेस से सुरभि चौधरी है, जेजेपी से स्वाति यादव जी हैं, और भी पार्टियों के यहाँ से बलवंत फोजिंगा एन लीग हैं, और अपने रमेश पायलट जो हैं वो यानी कि लोकतंत्र पार्टी BSP के साझे उम्मीदवार हैं। मैं हमारे साथ में भरत मिश्रा जी हैं। भाई जी, क्या नाम आपका? संतोष जी। तो आप जैसे वोट करने के लिए आए थे, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत प्रसन्नता हो रही होगी। अच्छा, और गांव के विकास के बारे में आप क्या कहें, सरकार ने क्या क्या विकास करेंगे? पालड़ी में यहाँ पे मतदान का कार्य चल रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी तादाद में लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, और मतदान काफी सुचारू रूप से कर रहे हैं। साथ में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लोगों की काफी यानी कि उत्सुकता है, मत का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में लोगों के विचार जानना चाहेंगे कि इस गाँव के क्या क्या समस्या है। 5 साल में चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद रह चुके, उन्होंने कितना विकास कार्य इस गाँव के लिए किया है। साथ में बीजेपी सरकार ने नौकरी के लिए लोगों को यानी कि रोजगार दिलवाया है, ये सब बातें होंगी। हितेश कुमार जी से बात की जाए, आज आप मतदान का प्रयोग कितनी प्रसन्नता होगी? बहुत बढ़िया। और क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस, और कोई सुझाव? कोई सुझाव नहीं, बेरोजगारी की समस्या के लिए भी हो, क्या बेरोजगारी हटानी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए बेरोजगारों। और गांव की क्या क्या जन समस्या है, बिजली पानी सड़क या और कुछ समस्या? तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी लोगों को रोजगार दिलाना चाहिए। आपका क्या?
तो आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गांव की क्या क्या जन समस्या है। चौधरी धर्म सिंह सांसद रह चुके 5 साल में, अभी वो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो यानी कि भाजपा सरकार ने 5 साल में कितनी प्राप्त है आपके गांव में? बहुत ज्यादा क्या साथ में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? बेरोजगारी समस्या के लिए क्या आगे यानी कि प्रोसीजर लाना चाहिए सरकार? और इसके अलावा जैसे बात की जाए 5 साल आप क्या स्वाति यादव की यानी कि ये थे हमारे साथ में गांव पालड़ी के कुछ ग्रामीण लोग, इन्होंने अपना मतलब बताया। की तरफ से आज मैं पहुंचा हूं भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र के गांव पालड़ी में, जहां पे मतदान का कार्य चल रहा है। साइड में हम देख रहे थे काफी लोगों में से यानी कि रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। साथ में हमने पोलिंग पार्टी से भी बात किया, वो भी कह रहे थे कि गाँव के लोगों का कुछ सहयोग मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। साथ में जैसे बात की जाए, यहाँ से सांसद है चौधरी धर्मवीर सिंह, 5 साल रह चुके। उससे पहले स्मृति चौधरी कांग्रेस पार्टी से थी, अभी भी दोनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और कांग्रेस पार्टी से स्मृति चौधरी हैं, जेजेपी से स्वाति यादव भी, उसके साथ में रमेश पायलट भी हैं, और भी काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पे हैं। लेकिन मैं गाँव के लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस गाँव की क्या क्या जन समस्याएं हैं, उसके साथ में जो बीजेपी सरकार है उसने 5 साल में कितने विकास कार्य करवाए हैं इस गाँव के, और साथ में जैसे कि बेरोजगारी की समस्या है उसके ऊपर कितना फोकस किया है। उसके अलावा जैसे बात की जाए तो जो बीजेपी सरकार है वो पहले ही साल में हम 6,000 रुपये किसानों को सहायता के रूप में देंगे, वो यहाँ पे मिला है नहीं मिला है? उसके अलावा जैसे सड़क व्यवस्था, बिजली पानी और यानी गंदे नाले की जो भी है उनके बारे में थोड़ा विचार जाने। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह जी। तो महावीर सिंह जी, जैसे आज लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो यानी कि आप किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे और यानी विकास कार्य रहेगा किस प्रत्याशी के? नहीं जी, राष्ट्रीय मुद्दा है, नरेंद्र मोदी का वोटदार है, और दूसरा है जो हमारा रविंद्र जी छाप के आशीर्वाद मिला है उसको। तो आइन का मानना है कि हम प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, साथ में जो रविंद्र जी जी हैं उनका काफी परफॉर्मेंस इस एरिया में रहा है। उसके अलावा जैसे सांसद की बात की जाए तो चौधरी धर्मवीर सिंह 5 साल रह चुके, उन्होंने साधारण काम किया, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से रविंद्र जी के नाम से वोट। अच्छा, आपका मानना है कि हमें सांसद से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ विकास के नाम पे मोदी जी को वोट देंगे? इसके अलावा जैसे और प्रत्याशी भी हैं तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? जी, हम और सोचते ही नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी रविंद्र जी को चाहते हैं। अभी जैसे स्वाति यादव की बात की जाए, स्वाति यादव अभी नए चेहरा ऊपर के आए हैं जेजेपी पार्टी से, तो उनके बारे में क्या विचार है? जी, सब बढ़िया ही, लेकिन हमने किसी का विरोध नहीं, हमें सपोर्ट सिर्फ मोदी जी के नाम से, रविंद्र जी के नाम से। अच्छा, तो ये था हमारे साथ में ग्रामीण, इन्होंने अपना विचार रखा। अब हम और लोगों की भी राय जानते हैं। क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश जी, जैसे आज चुनाव का जो मत का प्रयोग हो रहा है लोगों का, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बढ़िया है जी, सभी को वोट डालना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे बात की जाए तो विकास के नाम पर जैसे भी सरकार दावे करती है, ये करेंगे वो करेंगे, हर प्रत्याशी अपना अपना एजेंडा लेके आता है, अभी 5 साल के दौरान हमारी सरकार के ये वायदे रहेंगे, हम ये विकास कार्य करवाएंगे, तो आप लोगों को कितना उम्मीद लगता है? बीजेपी पार्टी ने जी निष्पक्ष काम किए हैं और बीजेपी पार्टी ठीक है, और मासा आगे भी आशा करते हैं बीजेपी पार्टी का जो भाई है एमपी बड़े वो विकास कार्य तेज गति से। तो इन लोगों का मानना है कि बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से सांसद जो भी चुन के आएगा बीजेपी से धर्मवीर सिंह जी, वो काफ़ी विकास कार्य इस एरिया में करवाएंगे, लेकिन इनका मानना है कि हम सिर्फ क्या है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि धर्मवीर सिंह को। नहीं, धर्मवीर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का मानना है कि धर्मवीर को सपोर्ट कर रहे हैं आप? धर्मवीर सिंह। तो इन लोगों का मानना है कि धर्मवीर सिंह को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और जो धर्मवीर सिंह है वो इस गाँव के लिए काफ़ी विकास कार्य करवाएंगे, जैसे सड़क बिजली व्यवस्था है, पानी की है, और इसके अलावा और क्या जन समस्या है गाँव में? नहरी पानी की समस्या है। अच्छा, टाइम पे नहरी पानी नहीं आता, इसलिए किसानों को अपनी खेती करने में कठिनाई, यानी कि सिंचाई के लिए लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो नहरी पानी है उसकी काफ़ी किल्लत है इस एरिया में। तो सरकार से ये सांसद से उम्मीद रखते हैं कि आगे जो है नहरी पानी को सुचारू रूप से यानी कि इस एरिया में यानी कि लोगों को मिल पाए। तो ये थे हमारे साथ में राजेश जी, और भी लोगों के विकास विचार जानेंगे। टीवी वार इंडिया न्यूज़ के लिए उमेश सत साहिब की रिपोर्ट, हरियाणा।